सूखी हुई मिट्टी को खुशबू देने वाले, शुक्रगुजार आंखों को आंसू देने वाले, इन दोनों का साथ न छूटे। और सुना यह है कि हवाएं अब के बार भी तेज बहुत हैं, शहर विशाल से आने वाले मौसम हिजरंगेज बहुत हैं, अब के बाद फिर मौजे बहार में फर्श सब्स पर सात मेहर में हार सिंहार से हम दोनों के नाम लिखे हैं। जी खुश आमदेद। और आज के मेरे मेहमान इकबाल हुसैन, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वैलेंटाइन डे, तो मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? खुदा का खौफ, खुदा का खौफ करो फरा। ये पहले ही आपके साथ मैं सेटल कर गया हूँ कि मोहब्बत मोहब्बत वाला सीन आज मेरे साथ नहीं, 10 साल से मोहब्बत ही तो है। हाँ। होती क्या वैसे? मैं इसको बिल्कुल डिफाइन नहीं कर रहा, हर बंदे का अपना एंगल है, मेरा एक अपना एंगल होगा, लेकिन जो मोहब्बत हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है मैं उसको बिल्कुल कतई तौर पर मानने को तैयार नहीं। मसलन कौन सी एग्जिस्ट करती है? हमारे यहाँ जो सारे का सारा सोशल शेप कर दिया गया है ना, सोसाइटी को एक ऐसी शेप दी गई है मोहब्बत के नाम पे, दैट इज नॉट यू नो सफिशिएंट फॉर मी। लाइक अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि आपकी सीट के ऊपर आके कैमरे के सामने बैठ के लोग जो है ना, सबसे पहली बात जो करते हैं झूठ बोलते हैं, और आपके शो में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। ये आप शो की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ये तारीफ है ना, झूठ बोलते हैं। हाँ, ये तारीफ है। अच्छा। लेकिन आपके यहाँ तक आने में और कैमरे को वो बताने में अपना जो है ना शैलोइज्म बहुत ज्यादा आपके यहाँ। अच्छा। हाँ। आपके यहाँ? आपके यहाँ से मतलब मेरा शो है? नहीं, आपकी पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। शऊर नहीं है हमें, दराग नहीं है। बताएं फिर क्या क्या एहसास होना चाहिए, क्या शऊर? रियलिटी पे आए ना, पहले एहसास करें, इंसानों को बर्दाश्त तो करें। 90 दिन के बाद मैं जो हमेशा कहता हूँ कि सिवाय हुकूमत के हर चीज चेंज, तो बीवी भी चेंज हो जाती है, बंदा भी चेंज हो जाता है। आओ तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि 90 दिन का खेल है। वो हनीमून पे लेके जाता है, कहते या अल्लाह अब ये कहीं पहाड़ से ही गिर के गुजर जाए। ऐसे सोचा? नहीं, 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 मैं पहाड़ पे नहीं लेके गया था, हम डेजर्ट में गए थे। पता है आज का जो शो है ना, इसका मतलब था थोड़ी सी नरम नरम बातें, नरम नरम बातें, वो सच्ची बातें करें। देखें अब सच्ची बातों को आप कब से पेंट कर रहे हैं जी, कड़वी है सच्ची बातें कहाँ कड़वी होती हैं, तो मैं आपसे मीठी बातें कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बड़े चा की बड़ी उसकी बातें हैं। हाँ हो। अच्छा, ये आपका जो फिर बात बड़ी और तब से अच्छा, मुझे बताओ पहली मुलाकात याद है? हाँ याद है। कैसे मिले थे हम? आप एक प्ले की रिहर्सल कर रही थी और उसमें मैं आपके साथ काम कर रहा था, जहर प्ले था, एबीसी का नजीर बड़ा साहब था। थोड़ा सा गलती है इसमें। क्या? रिहर्सल नहीं कर रही थी, पहली दफा मुझे बुलाया था उन्होंने, फर्स्ट टाइम। हाँ, तो रिहर्सल के लिए बुलाया था। वो प्ले गलना है जो गल मैं पूरा शो चलाती हूँ बातों में से बात निकाल के। आपको याद है जिस मोहब्बत को आप कह रहे हैं, मोहब्बत पे किताबें लिखी गई है, यू है वो है, वी हैड लव मैरिज। आई एडमिट उसका शाखसाना है, उसका शाखसाना है। देखिए, मुझे आपने पढ़ाया, मुझे मेरे घर के, मुझे मेरे रिश्तों ने पढ़ाया, मुझे आपकी सोसाइटी ने पढ़ाया। और जिसे जमाना पढ़ाता वो कभी नहीं भूलता, मुझे ये सबक नहीं भूल सकता। कौन सा वाला? ये जो आप मुझसे पूछती है, घुमा फिर आगे। आई एम इन लव विद यू। मेरे जितने माशाल्लाह खूबसूरत बेटे हैं आपसे, वो लाइक वो एक सबूत है मेरी मोहब्बत का। उनकी देखी है आपने वो माशाल्लाह? देखा है उनका, वो उनको कैसे ब्यूटीफाई किया और आपने उनको, दैट इज माय लव ना। हो मैं उन्हें किताबें लिख के फूल रख के सुखा के तो टिपिकल सा वो, लेकिन बड़ा खूबसूरत था। सही बात है, जवाब से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ नहीं। देखिए, मैं आप कहती है मुझे अक्सर कि तुम अब्दुल्ला से ज्यादा प्यार करते हो, अब्दुल रहमान से प्यार करते हो, मोहब्बत मैं आपसे करता हूँ। वो दोनों आंखियां मेरी उनसे आपको देखता हूँ फिर। हाँ, दैट इज अ रोमांटिसिज्म। आप मुझसे क्या रोमांटिसिज्म की बात करें? ओ एंज जी ते फलाना जी, ओ ते टर 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 करने वाला जेड़ा बंदा, उसके यहाँ रोमांटिसिज्म नहीं हो सकता। हाँ, वही ना फर्क ऑफ रोमांटिसिज्म। दिस इज माय रोमांटिसिज्म। मैंने उसको लाइफ को ऐसे पेंट किया है। अच्छा, ये पेंट करना अपने हाथ में होता है? हाँ बिल्कुल, हाथ में होता है। अगर ना होता तो आप फरिश्ते ना होते, ये जिन ना होते डब खड़बे से, ठीक है ना। आपको हर चीज दी गई है, उससे आपके हाथ में ब्रश है, कैनवस आपके सामने है, जैसे मर्जी रंग लगाए, जिस तरह मर्जी ले जाए। अब वही तो कहता हूँ, आप लोगों का आपका इंटेलेक्चुअल करप्ट है,
उसको शौर नहीं है, उसको एहसास नहीं है, उसको कोई कहता नहीं है डरते हुए. So you think you... उसको कहता नहीं है कोई डरते हुए. इंटेलेक्चुअल यार तेरा दिमाग खराब है भाई. कितने फैज अहमद फैज निकाले हैं आपने, कितने अलामा निकाले हैं, वो सारे रंग भर रहे हैं आपकी उस जनाब औरत और मर्द के उस. और भाई 90 दिन के बाद फिर उसने, अच्छा फिर उसने वो ले गए चलना है उस रोमांटिसिज्म को ना, चलाए रखना है, चलाए रखना है, किसी तरह पानी किए रखना है, चलाए रखना है. वो क्या करेगा, सोसाइटी में इतना डिसबैलेंस कर दिया उस सारे ने यार. आपको कहां से कहां ले गया बहका के. सुबह सुबह उठ के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं यार, वो ऐसे हुआ ऐसे, किन चक्रों में लगाया. रियलिटी की बात करो. वो यार सड़कें नहीं बनती हैं, लोगों को पानी नहीं मिलता साफ पीने का, वो किस चक्कर में हमें उलझाया हुआ यार. आज वैलेंटाइन डे है. हाँ। मैंने आपसे मुल्क की सियासत या हालात, पूरे मुल्क का मीडिया, पूरे मुल्क का मीडिया कुड़ियों को मुंडों के पीछे और मुंडों को कुड़ियों के पीछे छोड़ा होगा आज. पूरे मुल्क का मीडिया धड़ा धड़ धड़ा. मैं क्या सही बता रहा हूँ आपको, कोई तो खुदा के लिए सही बात करो यार. वो मरना नहीं है किसी ने यहाँ. चलिए ठीक है. मुझे कल एक बड़ी खूबसूरत बात की मेरे एक दोस्त ने. उसने कहा यार पाकिस्तान में ये जो सारे साफी लोग और ये तुम लोग चीखते हो चिल्लाते हो अपने प्रोग्राम में, जंगल का कानून है. मैं कहा हाँ जंगल का कानून है. कहता है जंगल में शेर मार धाड़ करता है सबसे ज्यादा. मैंने कहा हाँ. कहता है लेकिन जब वो रज जाता है तो उसके सामने हिरन होते हैं, वो देखता रहता है. तो पाकिस्तान में कौन सा कानून है. मोहब्बत के बारे में आपके खूबसूरत ख्यालात तो हमने सुन लिए हैं. आप तो 10 साल से सुन रही हैं. अब जरा आगे चलते हैं. उन्होंने 10ों के हाँ सुन रही हैं. मैं हाँ मैं मानती नहीं हूँ. मैं सुनती हूँ रोजाना रोजाना दिन रात सुबह शाम. अच्छा इंस्पिरेशन, ये जो अब जो सोच है ख्यालात हैं, अगर मैं इसे नाम दूँ तो मैं एक लफ्ज मुझे मिलेगा वो फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन am I frustrated? मतलब नहीं है, मैं जो है जरा बंदा सच बोले तो आड़ी साड़ी जो फ्रस्ट्रेटेड है पागल है वट्टे बारों ने. मैं एक चीज मुझे समझ आती है कि ये कौम उस दिन तक नहीं बनेंगे जिस दिन तक पंजाबी सिंधी को अपनी बेटी नहीं देगा, बलोची पठान के साथ अपनी बेटी नहीं ब्याहेगा. आप यकीन करें ये कौम नहीं बन सकते. दिस इज माय बॉटम लाइन. और चारों अलग अलग रह रहे हैं आप, एक दूसरे से नफरत करते हैं. वो जो आप कहती है ना कैसे होगा वो हार्मनी कैसे, वो आपस में प्यार तो करें पहले, उसका शऊर पैदा करें, द्राक एहसास पैदा करें कि मोहब्बत है क्या, उसको कैसे लेके चलना. आई लव यू नहीं क्या सवेरे मैंने दवासी रुस गया रूठा. वो केड़ा रूठा, रूठा से निकले और एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को इंसान समझ. तो ये जो आप कह रहे हैं ये भी तो आई लव यू ही है, जुबान से नहीं कहना है पर एक्सप्रेशन से है, एक तरीके से. एक्सप्रेशन अब नजर ना आए तो क्या, एडी एडी मोटियां अड़गा लगी हैं सारे दोनों. मोटिवेशन जिंदगी में, इफ मोहब्बत अहम नहीं है, अगर सोसाइटी के इतने मामलात नजर आते हैं, मोटिवेशन क्या है जो फिर इट कीप्स यू गोइंग. सच बोलने का वो है मोटिवेशन कि यार आओ यार बोले यार ठीक है यार जो अंदर देख लेंगे. बात तो करें, ओरिजिनल बात करें ना, जेन्युइन बात करें. इतने चैनल खोल के दे दिए आप लोगों को झूठ बोलने के लिए, चीजों को छुपाना. ना टाक लो चुन्नी ला लो, गल नहीं लफ्ज बरहना है आपका. अच्छा अगर मैं कहूँ वैलेंटाइन डे पे कोई मजेदार कंट्रोवर्सी वैलेंटाइन डे पे कोई मजेदार सी बात करें तो वो क्या होगी. अमजद इस्लाम अमजद की बड़ी खूबसूरत नज़में हैं उस पे. मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की जैसे कोई तिफले सादा, शाम में एक बीज बोए शब में बारह उठे, जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है. अच्छा इरिटेट होना, इरिटेट होना बीवी से, इरिटेट होना नहीं. अच्छा फिर होता है ना नेचुरल नॉर्मल है. अगर अच्छा. लोग जानना चाहें इस बारे में कि आपको नहीं आता गुस्सा औरत के अंदर सिर्फ. अच्छा ये जितनी हाइपर, पहले तो मुझे ये बता दे जितनी हाइपर स्टेट में आप रहते हो, यू आर ऑलवेज लाइक दिस. नहीं ऑलवेज नहीं, आई वॉज वेरी पैसिव सॉर्ट ऑफ गाय. यू हैव डिड इट लाइक दिस. औरत का पूछ नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग, औरत सिर्फ अपने मर्द के साथ चिक चिक ना करे और उसको देख के एक स्माइल पास कर दे, उसकी सारी थकावट. जिस दिन आप स्माइल एक दे दें, मुझे खुशबू आती है पूरे घर में से. एक एक चीज है ना वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, हर चीज की वाइब्रेशन होती है. एक तो आपकी दंदियां सोनी ऊपर से मेरा मिजाज ऐसा, तो एक स्माइल. शोबिस की जो खातून है उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है. बड़ा क्योंकि एक रेज और अब मर्द का ही फितरत है कि मेरी बीवी जैसे कोई ना देखे. ओह यस, मेरी बीवी के ऊपर किसी की नजर भी ना पड़े. नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ मेरी बीवी के लिए कोई बात करे, आपको नहीं पता ठा करके मुंह दे बिच चुंदे
क्या कहूँ हाँ मैं आपके शो में हार्श बातें नहीं कहता नहीं नहीं यार बड़ा इस मामले इतनी खूबसूरत बातें अभी तक मुझे तो अरसे तक याद रही हैं इस फील को कैसे एडजस्ट करते हैं यकीन है आप ट्रस्ट है कि जी आपकी बीवी पे कोई बुरी नजर रखे तो यानी कोई नजर रखे फिर मैं उसको वेले टाइम मिलूंगा उसको वो आ करे तो टा वो वाली बात एक अच्छी खुशगवार जिंदगी जो है कैसे मुमकिन है बिल्कुल ऐसे इकमिक जरा सा कहीं चूके नहीं पूरी नस्ल तबाह हुई नहीं ओ भाई ये नस्लों का चक्कर है जिसको आपने फिर आई लव यू में डाला हुआ है फिर भी किसी और पास टूट पड़ा आप आई लव यू कितना लाइट क्यों लेते हैं वो लाइट ओ आपकी पूरी आपने नस्ल तबाह कर दी आप कह रही हैं लाइट मेरा बस चले तो मैं ना से वो किताबें साड़ दूं वो हाथ भी तोड़ दूंगी इन्होंने ये सारा खराब किया मामला सूफी से पूछे रब क्या होता है किसी मुंडे से ना पूछे वो कुड़ी की हुंदी है वो मोहल्ले में तीन लड़कियों को एक ही टाइम के एक ही जैसे जज्बात से देख रहा होगा घर के मामलात और वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कैसे लगते हैं शादी के बाद जब मोहब्बत बंदा करता है तो ख्याल होता है कि जिंदगी आगे ऐसे प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ हाँ वो बात नहीं मैं आपको अक्सर कहता हूँ अब तो कोई टोकता भी नहीं यही होता है खानदान में क्या वो ये जो टोक और ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किधर गया से मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बीवी अच्छी वो होती है जो जो शोहर को उसके माँ की कमी ना महसूस होने दे जो उसकी बड़ी बहन की कमी ना महसूस होने दे जो उसकी लाडली बेटी की कमी ना महसूस होने दे वो होती है और उसको सारी जिंदगी महबूबा का वो वाला एंगल भी जो है वो उसमें नजर आता रहे वो अच्छी बीवी होती है इसको तो पेंट करना होता है ना अच्छा शोहर क्या होता है अच्छा शोहर जरा दही तीन पर टाइम तो लै ताकि हांडी ना सड़ जाए वो अच्छा शोहर होता है जो दही लेते वक्त लेकर जाते वक्त भी अपने ध्यान में रहे और वापसी में भी छानेबाजी में ना हो वो अच्छा शोहर होता है बदनीयतों के घर नहीं बसते मर्द को नीयत अच्छी होनी चाहिए सही प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज की अहमियत कितना जिंदगी जो है प्रिंसिपल गाइडेड है मेरी मैं तो सारा एक उसूल परस्त हाँ हाँ तो उसूल क्या उसूल है अपनी जान है बिल्कुल मेरी मैं वो कहते नहीं होंगे सर बड़ा ये जुबान आवाज आती है हमेशा जुबान सर नहीं बड़ा लगता डिस्टर्बेंस किस बात पे ज्यादा होती है डिस्टर्बेंस जब मेरे कोई घर के मामलात में और घर को छेड़े मैं उसके सर हो जाता हूँ आई डोंट स्पेयर मेरी नस्ल में अल्लाह के बंदे पैदा हूँ मेरा मिशन है दिस इज माय कॉज और यही मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ अपनी नस्ल पे काम करो ऐसे मैं अपने बाप को नहीं कहता आपके सामने पापा को नहीं कहता आपके अब्बू को अम्मू को हम सबको माफ करें औलिया पैदा नहीं होंगे वरना ये जो गुस्ताखियां हैं हमारी ये जो गंध है हमारे इसको माफ करें आप नहीं माफ करेंगे मैं जरूर माफ करके जाऊंगा ये राबता काट के जाना है गुस्ताखी का जो है ना ये जो हमने अपने बड़ों के दिल दुखाए या उन्होंने अपने बड़ों के दिल दुखाए ये हमें कहीं खत्म करके जाना है वरना हमारी नस्लों में मैं तो अपनी नस्ल पर काम कर रहा हूं मैं तो जी रहा हूं अपनी नस्ल के लिए कि इसको किसी मकाम पे मैंने तो अपना इतना कुछ देखा इतने रंग देखे इतना खाया पिया इतना ओढ़ा इतना कुछ किया है मैं जहां से यहां तक आया हूं मेरी औकात नहीं थी 63 रुपए ले घर से निकला हूं रंग देखे यार अपने कितने लगाए यू डोंट नो तेरा बातों करने की तरफ तो मौका ही नहीं है आपने बाकी बातें इतनी शुरू रखी है कि और बहुत सारी बातें नहीं हो सकी लेकिन इन एनी केस थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पर आए हैं आज क्या कहूँ मैं आई लव यू नहीं कहना तो फिर क्या बहुत शुक्रिया हैप्पी वैलेंटाइन डे